एवरीवन, वेलकम बैक। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं क्रिप्टो ऑप्टिमाइज। क्रिप्टो ऑप्टिमाइज आपको एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी और गेमिंग प्रोजेक्ट के मुतालिक आपको अपडेट करता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की गेमिंग प्रोजेक्ट मिलते रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्रिप्टो ऑप्टिमाइज आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं देगा जिसमें आप अपने ओन रिस्क के ऊपर यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें यहाँ देख सकते हैं कि आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल इसका रिव्यू दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कॉस्मोरिस यानी कि है क्या, इसका मुकम्मल यानी कि होम, इसके अबाउट, इसका रोड, बेनिफिट्स, टीम, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, आपने वैलेट को कनेक्ट करना है, इसका मुकम्मल आपको, ये एनएफटी का गेमिंग प्रोजेक्ट है जिसका मुकम्मल रिव्यू आज मैं आपको दूंगा। आप देख सकते हैं कि इसके यानी कि 15 डेज यानी रह गए, 10 आवर्स रह गए और इसमें यहाँ देख सकते हैं उसके मिनट भी बताए हुए हैं जिसमें यानी कि मिंट एनएफटी बताई गई है जिसमें यानी कि मिंट एनएफटी के मुतालिक यानी कि उसने दिया हुआ है। ये अबाउट अस समय बता रही है इनके है क्या प्रोजेक्ट, ये आपका क्या है क्या पीटी की यानी कि प्ले टू अर्न यानी कि गेम है जिसमें यानी कि आप यानी कि अर्न कर सकते हैं, जिसमें यानी कि आप रेसिंग कार के जरिए डिस्ट्रॉयड यानी कि एनिमीज करेंगे और उससे यानी कि विनिंग करेंगे, जो विनिंग होगा तो उससे यानी कि रेस होने कर आप यानी डिस्ट्रॉय करेंगे, एनएफटी बर्न करेंगे जिसमें आप इंटरेक्चुअल तौर पर विषय कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के यानी कि रिवार्ड्स यानी कि होंगे जो आप डिस्ट्रॉय यानी कि यूनिमनी से आपको रिवार्ड्स मिलेंगे जब आप अपने दुश्मन को यानी कि ख़त्म करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रेंड जो यानी कि एनएफटी के तौर पर दिए जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि इसमें यानी कि मुकम्मल तौर पर यहाँ एनएफटी दी गई है जिस पर आप यानी कि स्टार्ट कर जैसे मुकम्मल तौर पर यानी कि रिव्यू ले सकते हैं और इसकी मुकम्मल तौर पर यहाँ एनएफटी दी गई है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर यहाँ दी गई हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फेज़ वन में यानी कि हुआ क्या था, यानी कॉस्मोरस गेम यानी डेवलपमेंट की गई थी, मिंट यानी कि इसका इवेंट लिया गया था 22 यानी कि अप्रैल यानी 6 मार्च को तरह लिया गया था, रेस्टिंग मैजिक ऑर्डर तौर पर लिया गया था और इसकी टेस्टिंग वगैरह इंटरफेस की गई थी यानी कि प्ले टू है जो इंटरनेट यानी के तौर पर टेस्टिंग की गई थी। नेक्स्ट आप फेज टू में देख सकते हैं कि इसका यानी कि प्ले टू आर्न यानी कॉस्मोरस यानी कि आपकी गेम का था अल्फा यानी कि वर्जन लिया गया था और इसे यानी कि लिया गया था और इसे बेटर तौर पर यानी कि लिया गया था और इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर यानी कि डेवलपमेंट के तौर पर लिया गया था और इसके एनएफटी के बढ़ने के तौर पर इंप्लीमेंट किया गया था और इसके एनएफटी के बढ़ने की इंप्लीमेंटेशन गेम है जो यानी कि बीटा टेस्टिंग के तौर पर यूज़ हो रही है। नेक्स्ट आप फेज थ्री में देख सकते हैं कि ये प्ले टू अर्न गेम है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि गेमिंग यहाँ को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आप फेज फोर में देख सकते हैं कि यानी कि लीडर बोर्ड के तौर पर लिया गया है, एडिंग द न्यू मैप्स यानी कि गेम है जो वाइपर इस्तेमाल होते हैं, एडिंग करते हैं अबिलिटी होती हैं जिसमें गेम ऑसम मार्च यानी कि ओवर यानी कॉस्मोरो यानी कि फैमिली के तौर पर ली गई है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कि इसके मुख्तलिफ किस्म के यानी कि अजम डॉट में यानी इसे फीचर दिए गए हैं जो इसके यानी कि एनएफटी के तौर पर लिए गए हैं, फीचर जो उसने बताया जो यानी कि बर्निंग एनएफटी के तौर पर लिए गए हैं। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं यूज यानी कि मशीन के तौर पर ले रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं टोकन को और इसकी वैल्यू ग्रो कर रही है और एज रिड्यूसिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ द मुख्तलिफ किस्म के और इसके पर्सनल यानी कि टोकन भी बता रहे हैं, इसके पर्सनल यानी कि नॉन फेंजिबल टोकन हैं जो यानी कि इसमें यूज़ हो रहे हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं एट्रैक्टिव विजुअल क्या है और इसमें यानी वर्किंग की जा रही है लॉन्ग टर्म यानी कि मेकिंग द गेम इंटरेस्टिंग है, आउटवर्डिंग तो एट्रैक्टिव है और यानी कलरफुल है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टोरिंग द डेवलपमेंट टीम भी की जा रही है जिसमें स्टोरिंग डेवलपमेंट में टीम में देख सकते हैं यानी कि इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम यानी कि गेम्स को तौर पर यूज़ हो रहे हैं, इंटायर पाथ है जो एरर फ्री होगा जिसमें कोई एरर नहीं होंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसके यानी कि ओवर यानी कि जो करेक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं कि जॉन्स तौर पे यानी कि जर्सा तौर पे हैं, लेमसन तौर पे हैं यानी कि इसके दिए हुए हैं, इसके जॉन्स तौर पे यानी कि दिए हुए फीचर तौर पे यहाँ बयान कर रहा है जो आप इसका मुकम्मल रिव्यू देख सकते हैं और इसके यानी कि जर्सा तौर पर यानी कि ली गई है जो इसमें का तौर पर यानी कि आपका क्या कर सकते हैं, इसकी यानी ऑपरेट दी गई है और इसे मुकम्मल तौर पर यहाँ दिया गया है और इसके नेक्स्ट और भी हैं जो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म यहाँ दी गई हैं, एनएफटी के तौर पर यानी कि लर्न की गई हैं जो आप इसमें मुकम्मल तौर पर यानी कि लेट तौर पर यानी कर सकते हैं, इसके लर्निंग एप्लीकेशन जैसे बता रहा है जिसमें यानी कि जो तौर पर यानी कि ली गई हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं मजीद दोबारा यानी कि रेड हो रही है जो आप इसे कर सकते हैं, ज्वाइन द आवर यानी कम्युनिटी आपको इसे ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी जो टीम की बात की जाए टीम में भी आप देख सकते हैं कि यानी कि डिज़ाइनर है जो गेम को मुकम्मल तौर पर क्रिएट यानी कलरफुल कर रहे हैं और इसकी मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि डिज़ाइनर है और सोशल मीडिया यानी कि स्पेशलिस्ट हैं जो यानी कि इसे नेटवर्किंग को सोशल मीडिया को तो स्पेशलिस्ट तौर पर चला रहे हैं और ब्लॉकचेन यानी कि इसका मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो इसमें यानी गेम टू बी यानी कि स्मूथ एरर फ्री होगा, ब्लॉकचेन यानी कि ट्राई तौर पर यह गेम यानी बेस्ट होगा जो आप कर सकते हैं।
फ्रेंड्स इसमें आप प्रे टू फॉर द यूक्रेन, यूक्रेन में आप देख सकते हैं कि जो अभी रिसेंटली हालात उनके लिए आप डोनेट भी कर सकते हैं, उनको चैरिटी भी दे सकते हैं, जो यानी कि ये यानी कि प्रोजेक्ट क्या करेगा उनको, यानी कि जो डिफिकल्ट यानी कि टाइम के लिए यानी कि ये कुछ यानी कि जो आप कुछ देंगे अदा करेंगे वो यानी कि उनको देगा, जिसमें यूक्रेन को एवरी पर्सन को यानी कि इन दिस वर्ल्ड यानी कि डिफिकल्ट है यानी स्टैंड अवाइड यानी कि ट्रबल तो की गई है, ट्राई टू हेल्प करनी है आर्मी के यानी कि जो कंट्री तौर पर यानी कि हेल्प कर सके उसे मुकम्मल तौर पर दे सकें, और इसे यानी कि इकोनॉमिक तौर पर यानी कि उस कंट्री को यानी कि दिया जाएगा यूक्रेन को। और इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन भी दिए हैं, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आप इसकी मेंट प्राइस उसने बताया 0.5 16 है जो आप इसमें कर सकते हैं, और इसके यानी कि उस मरे के तौर पर हैंड लिया गया है, इसके उस मरे के तौर पर NFT बता रहा है, मार्केट प्लेस भी बता रहा है, जिसमें यानी कि मैच एडिंग यानी कि सोलसी में यानी कि आप इसे कर सकते हैं, जो इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके वाइट लिस्ट की बात की जाए कि आप देख सकते हैं कॉस्मो रेज वाइट लिस्ट को भी आप कर सकते हैं, प्ले टू गेम में गेम है जिसमें मुकम्मल तौर पर यहाँ दिया हुआ है, जिसमें यानी कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटर तौर पर यानी कि तौर पर दिए गए हैं 15 डेज आवर्स हैं जो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ दिए हुए हैं, और इसकी फसल यानी कि तौर पर यहाँ बता रहे हैं इसका टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ है, जिसकी सप्लाई 100 दी हुई है, मिनट प्राइस भी बताइए 0.5 SOL है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यानी कि मुख्तलिफ किस्म की यहाँ दी हुई हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की आप इसके यानी कि देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के यानी कि जो आप इन्हें मुकम्मल तौर पर यानी कि देख सकते हैं जो आप इन्हें कर सकते हैं, और इसमें आप यानी कि वाइट लिस्टेड होने के लिए अपना नेम, ईमेल और ट्विटर हैंडल जो कर रहे हैं वो आप देंगे, और अपना सालाना वैलिड एड्रेस यहाँ देंगे, फिर आप सबमिट करवा देंगे। मिंट का रोड पर मैप देख सकते हैं कि इसके यानी कि अप्रैल यानी कि जो दी हुई हैं, और इसके थर्ड तौर पर यहाँ दी हुई हैं, इसके मार्च यानी देख सकते हैं कि उसने फंड सोला है 0.5 SOL है, यानी कि जो अप्रैल में होगी यानी कि 31.75 SOL होगी, फिर यानी कि 1000 यानी 1 SOL के तौर पे ली जाएगी, और उसके बाद आप देख सकते हैं 0.06 यानी कि सोल ली जाएगी, 0.9 SOL है, फिर उसके बाद 1 यानी कि इसमें 5 यानी कि सोल ली जाएगी, इसका यानी कि मिंट यानी कि इसका रोड मैप दिया हुआ है। आप इसके डिस्कार्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कार्ड को ज्वाइन करने के लिए आप देख सकते हैं डिस्कार्ड को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप इसके ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर में कॉस्मोरस यानी कि NFT यानी कि जो यानी कि गेमिंग प्रोजेक्ट है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें प्ले टू अर्न गेम है, यूनिक यानी 10,000 यानी कि यूनिक NFT मौजूद हैं, जिसमें यानी कि लूज तौर पर लिए गए हैं, और इसे 22 यानी कि मिंट यानी कि स्टार्ट हो रही है अप्रैल को, यानी कि 22 अप्रैल को यानी कि इसकी मिंट स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की आंधी हुई हैं, जो आप इनकी यानी कि मुख्तलिफ किस्म की आंधी हुई हैं, 0.5 यानी कि मिंट प्राइस है वाइट लिस्ट तौर पर, यानी अभी मैंने आपको ऑलरेडी आप बता चुका हूँ, जिसमें यानी कि वाइट लिस्ट तौर पर यानी कि होने के लिए आपने इस फॉर्म को यानी कि फिल करना है, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको ये बताया है, जिसमें आप इस फॉर्म को यानी कि फिल कर सकते हैं, और इसमें मुझे तो और भी आप देख सकते हैं कि इसके NFT मौजूद है, और इसमें मुकम्मल तौर पर या नेक्स्ट डे तौर पर बता रहा है, जिसमें यानी कि मुकम्मल तौर पर यहाँ अपडेट किया जाता है, और इसकी मुकम्मल तफसील यानी कि उसने यहाँ दी हुई है, जिसमें मुकम्मल तौर पर आप यानी कि इससे यानी कि मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और इसमें यहाँ देख सकते 0.5 तौर पर यानी कि होने के बावजूद आप इसमें मुख्तलिफ किस्म NFT को यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के एयरड्रॉप भी दिए जाते हैं, उनके वेस्ट भी दिए जाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो गए। आप देख सकते हैं इसमें यानी कि जो वेपन यूज़ हो रहे हैं, जो वेपन को आप देख सकते हैं कि इसके मुकम्मल तौर पर यानी कि वेपन जो यूज़ हो रहे हैं वो भी यानी कि यहाँ दिखाए गए हैं इस वेपन के जरिए, यानी कि सब कुछ यानी किया जाता है, और इसमें मुकम्मल तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि इस वेपन को मुकम्मल तौर पर यानी कि किस तरह यूज़ किया जा रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें यानी कि गिफ्ट भी दिया जाया गया है, और इसके आप NFT देख सकते हैं जो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 10K यानी कि सब्सक्राइब यानी कि थैंक के तौर पर यानी कि हो गए हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके यानी कि ये लिए गए हैं, जो यानी कि ट्रेजर तौर पर यानी कि गन लिया गया था, असला तौर पर यानी कि गन्स लिया गया है, जो यानी कि मुकम्मल तौर पर यहाँ बयान कर रहा है जो आप इसमें देख सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की NFTs मौजूद हैं जो यानी कि इसमें मुकम्मल तौर पर यहाँ दी गई हैं, जो इसमें यानी कि मुकम्मल तौर पर यानी कि मुख्तलिफ किस्म यहाँ देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म वापस वगैरह दिए गए हैं जो आप यानी कि इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसे यानी कि गेम में यानी कि इससे बना सकते हैं, और इसे मुकम्मल तौर पर यानी कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसकी मुकम्मल तौर पर यानी कि उसने यहाँ दी हुई हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, जिसमें यानी कि मुकम्मल तौर पर यानी कि इस NFT के तौर पर यूज़ हो रही हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद आप इसके डिस्कार्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके कम्युनिटी पार्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं। कौन सा रेस NFT है, क्या इसका मुकम्मल रिव्यू मैंने आपको इसमें यानी कि बता दिया है, इसके आप कम्युनिटी का पार्ट का हिस्सा बन के यानी कि आप बहुत कुछ यानी कि सीख सकते हैं, इसके गिवीज रिवार्ड्स भी हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपको यानी कि वीडियो का अख्ताम होता है। फ्रेंड्स आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। टेक केयर, गुड बाय।